रुपा जी, M6 कॉटन में हमने 50,000 के बाद अब सीधे 45,000 पर ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। 5,000 पॉइंटों की जो गिरावट है सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर बनते हुए देख ली है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कॉटन का जून वायदा तो M6 पर 45,900 के ऊपर है, वहीं मई वायदा 48,800 के ऊपर। रुपा जी, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे हैं कि 3,000 का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, अभी जो है वो अगले महीने में वो जो डिमांड जो है हो सकता है कि बढ़ती हुई दिखाई दे, और इस वजह से थोड़ा सा प्राइसेस के अंदर, वायदे के अंदर काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि पोजिशनें भी अभी स्केयर ऑफ होनी है और काफी लोगों ने ऊपरी स्तरों पर जो है वो खरीदारी कर रखी है, इसलिए भी थोड़ा सा मार्केट जो में जो है वो गैप देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखें तो कॉटन में करेक्शन का दौर जारी हो चुका है, अब तो यहाँ से मुझे लगता है कि डिक्लाइन ही बनता हुआ दिखाई देगा और शार्प डिक्लाइन आ सकता है। जिस तरीके से हम इसको लुढ़कता हुआ देख रहे हैं, 40,000 के नीचे भी कॉटन लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है वायदा के अंदर, और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी इसमें गिरावट जो है वो आगे चलकर बढ़ सकती है। जी रूपा जी, लेकिन कॉटन में देख रहे हैं कि चाइना हुआ, चाइना में जितनी भी कॉटन रीजन है, जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, कॉटन बेल्ट है चाइना में, दूसरा US टेक्सस में, यहाँ पर कॉटन की डिमांड लगातार जारी है, और ये जो दोनों ही देशों में कॉटन की जो क्रॉप है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, और वहाँ भी ऐसी खबरें हैं कि जो फार्मर्स हैं कॉटन की ओर ज़्यादा शिफ्ट होंगे और कॉटन को ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इसका असर कहीं ना कहीं भारत में भी कॉटन की प्राइसेस पर पड़ेगा? देखिए, आगे चलकर हो सकता है पड़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन अभी के लिए जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है हम उस पर अभी बात करेंगे, क्योंकि देखिए आगे क्या प्रोडक्शन रहेगा और किस तरीके से सोइंग के आंकड़े निकल कर आएंगे, आगे फर्दर कैसा मॉनसून रहेगा, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो डिमांड जो है इन लेवल्स के ऊपर वो पिकअप होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, एक्सपोर्ट्स भी अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से और पहली बार हमने देखा है कि इतने हाइक जो है वो प्राइसेस के अंदर देखने को मिला है। आगे अभी जैसे कि पीछे जो क्रॉप डैमेज हुई थी उसका इंपैक्ट आता हुआ हमने फिलहाल प्राइसेस के ऊपर आता हुआ देखा, अब अगला सीजन कैसा होगा, कितनी क्रॉप आएगी, उसके ऊपर किस तरीके का प्रोडक्शन निकल कर आएगा, तो ये सारे फैक्टर्स जो है अहम रोल प्ले करते दिखाई देंगे। और अभी के लिए जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, अब इस सीजन का पीक निकल चुका है और मुझे लगता है कि यहां से करेक्शन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और कपास की कीमतों में अब गिरावट आ सकती है। जी,